कराची में इंतहाई हसास करार दी गई सेंट्रल जेल भी कचरे की जद में आ गई। जेल की दीवार से लगा कचरा अतराफ में मुकीम लोगों के लिए खौफ का बाइस बन रहा है। दूसरी जानिब कचरे के ढेर से सड़क की चौड़ाई कम हो गई है, जिसके बाइस आए दिन ट्रैफिक जाम रहता है। इलाके के अतराफ मौजूद दुकानदार कहते हैं कि जेल की दीवार से मुत्तसिल कचरा शहरियों के लिए किसी भी नाखुशगवार हादसे का बाइस बन सकता है। जब पता चलेगा तो कुछ करेंगे, जब हमें पता नहीं चलेगा इतना कचरे का ढेर लगा हुआ है, कोई भी आएगी इसमें घुसेड़ के चला जाए, बंदा अपने कारोबार में लगा हुआ है, क्या पता चलेगा। जब ये धमाका हो जाएगा तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, रास्ते वालों आने जाने वालों के लिए भी बहुत बड़ा मसला है, जेल के लिए भी बहुत बड़ा मसला है। कराची की सेंट्रल जेल इससे कबल भी दहशतगर्दों के निशाने पर रही है। जेल की दीवार पर मौजूद खारदार तार और इन तारों में भी कचरे की बाकियात मौजूद हैं। जेल से करीब रिहायशी खौफ ज़दा हैं, बल्कि कचरे से आजिज भी हैं। और ऐसी सूरत हाल में जेल की दीवार से लगा कचरे का ढेर किसी भी हादसे का शाखसाना हो सकता है। बहुत खतरनाक है हमारे लिए कचरा, बदबू आ रही है, सड़ रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, यहाँ पे बच्चों का एक्सीडेंट होता है, यहाँ पर लेडीज परेशान होती है। शाम के टाइम आके देखें इतना ट्रैफिक होता है कि निकलने की जगह नहीं है, इतना कचरा डाला हुआ, बदबू इतनी होती है, हम बीमार पड़े हुए। सेंट्रल जेल के बाहर कचरे की मौजूदगी ना सिर्फ सिक्योरिटी रिस्क है, बल्कि कचरे की वजह से ट्रैफिक हादसा और ट्रैफिक जैम मामूल बनकर रह गया है। कैमरामैन अदनान शेख के साथ कमल फातिमा, 24 न्यूज़, कराची।